नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल की फोटोज, चाहे कोई भी फोटो हो, चाहे आपने कैमरे से क्लिक करी है या डाउनलोड करी है, आप उसको अपने लैपटॉप में कैसे डाल सकते हैं, कैसे भेज सकते हैं, आइए जानते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक यूएसबी केबल जिससे आप अपना मोबाइल चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा है, आप इसे लगा दीजिए अपने लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट में। तो एक हिस्सा लगा दीजिए और इसका जो दूसरा वाला हिस्सा है, ये वाला, आपको इसे लगा देना है अपने मोबाइल के पोर्ट में जहाँ से आप चार्जिंग करते हैं। इसके बाद ऊपर की तरफ से आपको एक नोटिफिकेशन आएगा। सबसे पहले फ़ोन को अनलॉक करें, इस नोटिफिकेशन को देखें और इसको यूज़ करें। ट्रांसफ़र फाइल्स आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आपका मोबाइल आपके लैपटॉप से कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपके पास सैमसंग या वीवो का मोबाइल है तो उसमें डायरेक्ट हो जाता है, किसी किसी में ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर यहाँ पे अगर आपके पास एमआई का मोबाइल है तो आपको ये करना पड़ेगा। फिर आपको आना है अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको मिलेगा दिस पीसी या माई कंप्यूटर, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे आपके पास आपके मोबाइल का जो मॉडल नंबर है वो लिखा हुआ आ जाएगा। ये हमारा मोबाइल है, स्टोरेज दिखा रहा है। आप इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पे दिखा रहा है इंटरनल स्टोरेज। यहाँ पे हमारे फ़ोन में मेमोरी कार्ड नहीं है। अगर आपके फ़ोन में मेमोरी कार्ड होगा तो आपके एक मेमोरी कार्ड दिखाई देगा, एक इंटरनल स्टोरेज दिखाई देगा, यानी टोटल दो ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आपका फ़ोटो जहाँ पर भी है उसे ओपन करें। हमारा इंटरनल स्टोरेज में है, हम इसे ओपन करते हैं। अगर आपने फ़ोटो कैमरे से क्लिक करा है तो वो आएगा DCIM फोल्डर में। तो ये रहा DCIM फोल्डर, आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको कैमरे का फोल्डर मिल जाएगा, आप यहाँ पे वो फोटो ले सकते हैं। पर यहाँ पे अगर आपने फोटो डाउनलोड किया है तो वो आएगा डाउनलोड फोल्डर में, अगर व्हाट्सएप से आया है तो वो आएगा व्हाट्सएप फोल्डर में। तो DCIM फोल्डर हम क्लिक करते हैं, कैमरे में जाते हैं। यहाँ पे हम इन फोटोज को लेना चाहते हैं, ये 6 फोटोज हैं। आप ऐसे करके लेफ्ट क्लिक प्रेस करे रहें और वो फोटो सिलेक्ट कर लीजिए जिसे आप लैपटॉप में डालना चाहते हो। तो हमने 6 फोटोज ले ली हैं। अगर आप एक फोटोज लेना चाहते हो तो आप उस फोटोज पर राइट क्लिक करें, कॉपी ऑप्शन आपको दिखाई देगा, कॉपी पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको उस फोल्डर में या उस लोकेशन पे चले जाना है जहाँ पे आप वो फोटो डालना चाहते हो। तो यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे आएंगे, एक नया फोल्डर हमने बनाया है दिखाने के लिए। और इसके बाद आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। राइट क्लिक करें, पेस्ट पे क्लिक करें और आपकी फोटोज हैं यहाँ पे आ जाएगी। अगर ऐसे नहीं आती है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, फोटोज अगर आपको दिखाई देती है, अगर आपको ऐसे फोटोज दिखाई देती है तो आप क्या करेंगे, आप इसे उठाकर ऐसे करके यहाँ पे ला सकते हैं, जिससे वही फाइल आपकी डेस्कटॉप पे भी आ जाएगी। तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं और अगर आप अपना मोबाइल हटा देंगे तो ये लैपटॉप में रहेगी।